दोस्तों मोम अपनी बच्ची के लिए दूध बनाती है और उसे अपनी बच्ची को जाकर देती है, लेकिन बच्ची अपनी जादू की छड़ी उठाती है और उसे दूध पर जादू कर उसे पीने लगती है। लेकिन मोम उसे ये सब छोड़कर पढ़ने के लिए कहती है और लड़की पढ़ने भी लग जाती है। लेकिन तभी डैड भी ऑफिस से आ जाते हैं और वो भी अपनी जादू की छड़ी निकाल कर अपनी बच्ची के साथ खेलने लगते हैं। वो जादू से कमरे की सारी चीजें उड़ाने लगते हैं और पार्क में जाकर फाउंटेन निकालने लगते हैं, लेकिन लड़की को बुखार हो जाता है। अब अगले दिन जब वो पढ़ रही होती है, डैड के ऑफिस से आने के बाद वो फिर से खेलने लगते हैं, लेकिन मोम बच्ची से पढ़ने के लिए कहती है, जिसके कारण बच्ची मोम से बहुत गुस्सा हो जाती है और कमरे में जाकर रोने लगती है। लेकिन डैड लड़की के पास जाते हैं और उसे कुछ दिखाने ले जाते हैं। अब वो उसे घर में लगी हुई एक जादू की छड़ी दिखाते हैं, जिसे निकालते ही घर का सारा जादू खत्म हो जाता है और उनकी बिल्ली भी एक टॉय बन के रह जाती है। दरअसल दोस्तों वो स्टिक किसी और की नहीं मॉम की होती है, जिन्होंने अपनी बच्ची और हस्बैंड की खुशी के लिए अपनी स्टिक को उस घर में लगा दिया था और खुद एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी। अब मोम उस स्टिक को वापस लगाने लगती है, बच्ची रोकती भी है, लेकिन मोम अपनी बच्ची के लिए स्टिक को फिर से घर में लगा देती है और सब पहले जैसा हो जाता है। दोस्तों मोम के सैक्रिफाइस के लिए लगा सब्सक्राइब तो बनता है, कॉमेंट में आई लव यू मोम जरूर।